अपने वादे को निभाने का जो कमिटमेंट दिखाया और हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भड़की हिंसा को काबू करने में त्वरित एक्शन और निर्णय लिए, उसने उनकी राजनीति शख्सियत को चार चांद लगा दिए। वहीं सिलकियारा टनल हादसे के बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सक्रिय भागीदारी ने उनको लेकर ये धारणा मजबूत की कि वो न केवल त्वरित निर्णय क्षमता रखते हैं बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर मोर्चा संभालने में भी उनका कोई सानी नहीं है। अखबार ने सीएम धामी के बारे में लिखे पावर पंच में लिखा कि यूसीसी पर कानूनी पहल कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट के रूप में देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है और इस कदम के बाद धाकड़ धामी की राजनीति पहले से कहीं ज्यादा सुनहरी हो गई है। सीएम धामी की उपलब्धियां सफल मेक इन इंडिया पहल के नक्शे कदम पर चलते हुए मेड इन इंडिया अभियान शुरू करने की वकालत करना, हिमालय का ब्रांड हाउस लॉन्च किया गया, उत्तराखंड में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न, एमओयू पर हस्ताक्षर के माध्यम से कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों को औपचारिक रूप दिया गया। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने कठिन निर्णय लेने और अपने वादों को पूरा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। सीएम धामी को एक युवा चेहरे के रूप में देखा जाता है और उनकी छवि साफ सुथरी है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की खास रिपोर्ट। मंत्री के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किए गए अपने वादे को निभाने का जो कमिटमेंट दिखाया और हल्द्वानी जीवन मेरा ताना पाना।